दोस्तों, जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी पढ़ना पसंद है उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने बात किया था जरासंध की उत्पत्ति, कृष्ण ने जरासंध के बारे में युधिष्ठिर को क्या बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर भी क्लिक करके आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है जरा राक्षसी का अपना परिचय देना और उसी के नाम पर बालक का नामकरण होना। राक्षसी ने कहा, राजेंद्र तुम्हारा कल्याण हो, मेरा नाम जरा है, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूँ। मैं मनुष्यों के घर घर में सदा मौजूद रहती हूँ, कहने को तो मैं राक्षसी हूँ किंतु पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने गृह देवी के नाम से मेरा सृष्टि की थी और उन्होंने मुझ दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ जो अपने घर की दो बार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में भक्तिपूर्वक लिखता है, मेरा चित्र अंकित करता है, उसके घर में सदा वृद्धि होती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। प्रभु, मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ एवं तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चिन्ह अंकित किया गया जिससे मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हूँ। उस चित्र के रूप में मेरा गंध पुष्प धूप और भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा भली भांति पूजन होता आ रहा है, अतः मैं उस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा सोचती रहती थी। धर्मातन, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। महाराज, देववश तुम्हारे भाग्य से ही इन टुकड़ों के जुड़ने से ये राजकुमार प्रकट हो गया है, मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ। राजन, अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार है उन्हें करो, यह इस संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा, मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है, फिर तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन सी बड़ी बात है, किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन ऐसा कहने पर जरा राक्षसी वही अंतर्ध्यान हो गई और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले गए। उस समय राजा ने उस बालक के जात कर्म आदि सभी आवश्यक संस्कार संपन्न किया और मगध देश में जरा राक्षसी गृह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा बृहदत्त ने उस बालक के नाम रखते हुए कहा, इसको जरा ने संदित किया है, इसीलिए इसका नाम जरासंध होगा। मगधराज का यह महातेजस्वी बालक माता सीता को आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो, घी की आहुति दी जाने से प्रज्वलित हुई अग्नि के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। उसके बाद का ये चैप्टर है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंडकौशिक मुनि पुनः मगध देश में घूमने आए। उनके आगमन से राजा बृहदत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पे चैप्टर का नाम भी आप पढ़ लीजिएगा। वे मंत्री, अग्रगामी सेवक, रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास गए। भारत, पाद्य, अर्घ और आचमनीय आदि के द्वारा राजा ने महर्षि को पूजन किया और अपने सारे राज्य के सहित पुत्रों को उन्हें सौंप दिया। महाराज, राजा की ओर से प्राप्त हुई उस पूजा को स्वीकार करके ऐश्वर्यशाली महर्षि ने मगध नरेश को संबोधित करके प्रसन्नचित्त से कहा, राजन जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी है। राजेंद्र, आप यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा। इसमें रूप, सत्य, बल और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा यह पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। यह पराक्रम युक्त होकर संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा, जैसे उड़ते हुए गरुड़ के बेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो लोग इससे शत्रुता रखेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। महीपते, जैसे नदी का बेग किसी पर्वत को
पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। जिनके मस्तक पर राज्याभिषेक हुआ है उन सभी राजाओं के ऊपर रहकर यह अपने तेज से प्रकाशित होता रहेगा। जैसे सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों की कांति हर लेता है, उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा। जैसे फतिंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना और सवारियों से भरे पूरे समृद्धशाली नरेश भी इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जाएंगे। यह संपूर्ण राजाओं की संग्रहित संप्रदाय को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा, जैसे नदी और नदियों का अधिपति समुद्र वर्ष ऋतु में बड़े हुए जल वाली नदियों को अपने में मिला लेता है। यह महाबली राजकुमार चारों वर्णों को भली भांति धारण करेगा, उन्हें आश्रय देगा। ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रकार के धन्य को धारण करने वाली समृद्धिशालिनी पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है। जैसे सब देहधारी समस्त मनुष्य प्राणियों के आत्मारूप वायुदेव के अधीन होते हैं, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे। यह मगधराज संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा और त्रिपुरासुर का नाश करने वाले सर्व दुखारी महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। शत्रुसूदन नरेश ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा बृहद्रथ को विदा कर दिया। राजधानी में प्रवेश करके अपने जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगध राज नरेश बृहद्रथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ा असंतोष हुआ। जरासंध का अभिषेक हो जाने पर महाराज बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए। महाराज दोनों माताओं और पिताओं के वनवासी हो जाने पर जरासंध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया। विष्णुपन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर दीर्घकाल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज बृहद्रथ अपने पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए। इधर जरासंध भी चंडकौशिक मुनि के कथानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा। मतलब जरासंध को शिव जी का वरदान भी था। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जमाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उनका वैर बहुत बढ़ गया। भारत उसी वैर के कारण बलवान मगधराज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिब्रज से मथुरा की ओर फेंकी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी। पूर्ववासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वो स्थान जहाँ गदा गिरी थी गदावसान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को सलाह देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीति शास्त्रों में निपुण दो मंत्री थे जो हंस और डिंबक के नाम से विख्यात थे। वे दो किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जन्मेजय उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, तो भीष्मपर्ण जी ने इनके बारे में पहले ही कहा है। दोस्तों मेरा ऐसा विश्वास है जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोकों का सामना करने में पर्याप्त है। वीरभर महाराज इसी प्रकार नीति का पालन करने के लिए उस समय बलवान कुकुर अंधक और विष्णुवंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा कर दी। उसके बाद ये चैप्टर है तीनों का मगध यात्रा। श्री कृष्ण कहते धर्मराज जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंबक के यमुना जी में डूब मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों सहित काल के गाल में चला गया। अब जरासंध के नाश का ये उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते, अतः मेरी समझने में यही आता है कि उसे बाहु युद्ध में यानी मल्ल युद्ध द्वारा जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाला है। अतः जैसे तीनों अग्नियाँ यज्ञ की सिद्धि करती है, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूर्ण कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं है। अपमान के भय से बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल से घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चित ही भीमसेन के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत होगा, क्योंकि विशाल और बलवान योद्धा को हराने के मजा ही कुछ और होता है उस समय का।
ये मान्यता था। जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज काफ़ी है, उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त है। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। भीष्मपितामह जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहाँ खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, अपनी मर्यादा से कभी च्युत ना होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बात ना कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, हम सब लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राजलक्ष्मी विमुख हो चुकी है उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं यह मानता हूँ कि जरासंध मारा गया समझो। समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राजस्व यज्ञ भी पूरा हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडवपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते, मतलब उन दोनों में गहरी मित्रता और प्यार था, ये कहना चाहते हैं। इन दोनों श्री कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी कांतिमान वीर भीमसेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता। चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह से संचालित की हुई सेना था, उस सेना को अंधी और जड़ कहते हैं, अतः नीति निपुण पुरुषों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर नीची जमीन होती है उधर ही लोग जल बहाकर ले जाते हैं, जहाँ गद्दा होता है उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी जैसा कार्य साधन में सुविधा हो वैसा ही करें। इसलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोग विख्यात महापुरुष श्री गोविंद को ही शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सबके लिए यह उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि नीति बल प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। यदुश्रेष्ठ, इसी प्रकार समस्त कार्यों के सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुन का अनुसरण करें। नीति विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करें तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। भीष्मपितामह जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन मगर राज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों से वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूपों को छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी सुहृदों ने मनोहर वचनों द्वारा उनका सबका अभिनंदन किया। जरासंध के प्रति रोष के कारण से प्रज्वलित हो रहे थे। जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ। उस समय सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले उन तीनों का स्वरूप अत्यंत उदासित हो रहा था। एक ही कार्य के लिए उद्यत हुए और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले उन तीनों श्री कृष्ण को, अर्थात नर नारायण रूप अर्जुन और श्री कृष्ण को भीमसेन को आगे लिए जाते देख युधिष्ठिर को यह निश्चित हो गया था कि जरासंध अवश्य मारा जाएगा, किंतु वे दोनों महात्मा निमेश उनमें से लेकर महाप्रलय प्रयत्न समस्त कार्य के नियत्ता तथा धर्म काम और अर्थ साधन में लगे हुए लोगों को तत्व संबंधी कार्य में लगाने वाले ईश्वर नर नारायण हैं। वे तीनों कुरुदेश से प्रज्वलित हो कुरुजालन के बीच से होते हुए रमणीय पद्मा सरोवर पहुँचे, फिर कालकूट पर्वत को लांग कर गरुड़ की महाशोन सदा नीरा और एक पर्वत तक प्रवेश की और नदियों को क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कौशल प्रदेश में भी पदार्पण किया। कौशल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए। गंगा और सोनभद्र को पार करके वे तीनों अच्युत वीर पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे। उन्होंने कुश और
चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था, जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। वे सदा गोधन से भरे पूरे जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गोरथ पर्वत तक पहुँच कर उन्होंने मगध की राजधानी को देखा। तो दोस्तों, इतिहास की तीनों चैप्टर आशा करता हूँ पसंद आया होगा। तीनों चैप्टर मिलता है अगले चैप्टर पे। श्री कृष्ण द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा, चेतक पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़ फोड़ कर तीनों का नगर और राज्य भवन में प्रवेश, और श्री कृष्ण और जरासंध का संवाद। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।